अब मैं आज के मुख्य अतिथि व वक्ता एमएस बिट्टा जी से निवेदन करता हूं, वो मंच पर आए, हमारा मार्गदर्शन करें। सभी उनका जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे और आपके मन में कोई भी प्रश्न हो आप भाषण के अंत में उनसे पूछ सकते हैं। आदरणीय दीपक जी, यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, हमारे प्रोफेसर साहब और हमारे राष्ट्रभक्त नौजवान भाइयों, बच्चों, मेरी बहनों, मैं सबको वंदे मातरम। आज भगत सिंह जी के उस याद करते हुए वंदे मातरम बोलता हूं। बड़ा कुछ मेरे बारे में बोला गया, मैं उस काबिल नहीं हूं। ये मेरा जीवन बोनस है। 14 बार बम्बों से हमलों के बाद हम कई बार मरे, कई बार जन्म लिया, पर ये जो जीवन है बोनस का बचा हुआ, इसमें भगत सिंह जी उन देशभक्तों का, मातृभूमि का, जिनका हम कर्ज हजारों बार मर के ले लें उसका कर्ज नहीं चुका सकते, जितनी हो सकता है उसकी सेवा में रहते हैं और इस बची हुई जिंदगी के अंदर उन गद्दारों के तमाशे भी देखते हैं जो इस मातृभूमि का नमक खाते हैं, इस मातृभूमि में रहते हैं, फिर जेएनयू के अंदर कहते हैं भारत मां तेरे टुकड़े टुकड़े करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इनकी ऐसी की तैसी, इनकी ऐसी की तैसी घर घर अफजल पैदा करेंगे, विद्या के वो सरस्वती मां के उस मंदिर में कहेंगे हम घर घर अफजल पैदा करेंगे। वो यूनिवर्सिटी जहां से बड़े बड़े सैनिक, बड़े बड़े आईपीएस, बड़े बड़े आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर अब्दुल कलाम, किरण बेदी जैसे, डॉक्टर मनमोहन जी जैसे विद्वान निकलते हैं, वहां मंदिर के अंदर ऐसे नारे लगे। वो भी उस दिन जब हमारे नौजवान बर्फों पे जवान समाधि ले रहे होते हैं भारत माता की सीमाओं की रक्षा करने के लिए, एक जवान मौत से लड़ रहा होता है और दूसरी तरफ कहते हैं भारत मां तेरे टुकड़े टुकड़े करेंगे, कैसे हम इन चीजों को बर्दाश्त कर लेते हैं। यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के खून से बना तिरंगा झंडा ये कागज का टुकड़ा नहीं है, ये प्लास्टिक का, ये कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये जलियांवाला बाग के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के खून से बुना गया था ये तिरंगा झंडा। वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलना बहुत आसान है, पर उसके रास्ते पे कांटे ही कांटे हैं। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करूंगा, पुराना कांग्रेसी हूं मैं अकेला कांग्रेसी हूं। मेरे दोस्तों ने कुर्सी और सत्ता से दोस्ती कर ली, मैं इसलिए अकेला रह गया, मैंने मौत से दोस्ती कर ली इसलिए अकेला हूं। आजादी से पहले भी राजनीतिक थे, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट महात्मा गांधी, सब राजनीतिक थे, पर इन राजनीतिक लोगों की सोच थी कि आने वाली जनरेशन के लिए फांसी के रस्सों को चूम करके, लाला लाजपत राय की तरह अंग्रेजों की लाठियां खा करके शहादत का चाम पीना और मातृभूमि को अंग्रेजों की जंजीरों से छुड़ाना, वो राजनीतिक थे। और जब ये राजनीतिक लोग अपने घर से निकलते थे कहते थे मां गोली सीने पे खाएंगे, भारत मां को आजाद कराएंगे, ये थे। कई वीडियो वायरल होती हैं, आदमी स्पीच देता देता चले जाता है, देता चले जाता है, कई वीडियो वायरल होती हैं, आदमी दौड़ता दौड़ता गिर जाता है।
हम आदमी एक दम के पल की खबर नहीं, एक दिन कोई भी कभी भी किसी की भी मौत हो सकती है, फिर भी हम लंबी सोच की तरफ चले जाते हैं, हम राष्ट्र की सोच नहीं रखते। क्या हमने कभी सोचा कि हमारा जीवन कितना है? कभी लाल बहादुर शास्त्री जी के इतिहास को आपने पढ़ा कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या कहा था? जब देश के ऊपर मुसीबत थी, जब जंग थी, जब काल था हिंदुस्तान के अंदर, कहा था एक दिन कोई अनाज नहीं खाएगा। आज तक भी ऐसे बुजुर्ग उस विचारधारा के हैं जो अभी भी एक एक दो दो दिन खाना नहीं खाते, क्योंकि उनके अंदर प्रथम राष्ट्र है, पहले मेरा राष्ट्र, मेरा देश, मेरा शरीर भी नहीं है। ओबीसी एबीसी कोई हैदराबाद का है, ओबीसी एबीसी कहते हैं उसको, मुझे नाम नहीं पता, वंदे मातरम नहीं बोलूंगा मैं, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अरे क्यों दिखाते हो चैनल वालों उनको, उनको डिबेट पे क्यों बुलाते हो भैया? इन्होंने को कारगिल का युद्ध जीता है क्या? इन्होंने 71 की जंग लड़ी है क्या? इन्होंने शहीद परिवारों के घरों में उनकी स्मृति के लिए है क्या? उनके शिक्षा का उनकी बेटियों को शादी कराई क्या? वंदे मातरम नहीं बोलो, वंदे मातरम हम नहीं बोलेंगे, इनको कहना चाहूंगा मन में वंदे मातरम, तन में वंदे मातरम, बहते हुए खून में वंदे मातरम। खंजरे कातिल कप्पी खत्म कर देना हमें, चीख भी निकलेगी निकलेगी वंदे मातरम। ऐसी ऐसी चार आदमी कहे हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम टेलीविजन पर उनकी खबरें सुनेंगे, टीवी बंद कर दो उसका। जो जो अखबारें ये लिखती है, ये दिखाती है, है मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, सोशल मीडिया में डालो। धर्म 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 दिखावे का नहीं, देशभक्ति दिखावे की नहीं, वंदे मातरम की नहीं, भारत माता की जय की नहीं। जो करना है वो दिल से करोगे आपको मिलेगा, मैंने मिलते हुए देखा है। तो मैं बहुत टाइम ले लिया आपका, और मैं आपको यही कहना चाहूंगा, जो बोनस का बचा हुआ जीवन का हिस्सा हमेशा राष्ट्र के लिए, आपके लिए, देश के लिए लड़ता रहेगा। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, लड़ना सिखाया है, मेरे मां बाप ने राष्ट्र के लिए लड़ना सिखाया है, शहीदों से बड़ा कुछ सीखा है। मैं बार बार मर सकता हूं राष्ट्र के लिए, पर यार मैं किसी की बात नहीं सुन सकता। भगवान ने वो मुझे नस नहीं दिए कि मुझे को गलत कह दे। सोशल मीडिया में लोग यार बहुत बुरा भला कह देते हैं, मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, मैं कहां से ढूंढूंगा, अमेरिका कनाडा जाके कहां से ढूंढूंगा, मुझे किसने कहा मैं इसका जवाब दूं, मेरे में हिम्मत नहीं। पर ये हरीश जी मेरे छोटे भाई, इन्होंने कहा शुरू कर दिया, पर मुझे खुशी होती है उसमें, जिसका भी जवाब आता है वंदे मातरम भारत माता की जय, मेरे ठंड पड़ जाती है। फिर कोई दोस्त और सोशल मीडिया के लिए आते जी आपके लाखों फॉलोअर हो जाएंगे, मैं कहा मुझे ऐसे फॉलोअर की जरूरत नहीं है, जो सच है पानी का पानी दूध का दूध मुझे वही चाहिए, मैंने कुछ बनना थोड़ा है, मैं सुबह देख के इतना देख लेता हूं वंदे मातरम भारत माता की जय, कुछ चार अच्छे शेर राष्ट्रभक्ति के लिख देता है, मैं खुश हो जाता हूं। वंदे मातरम जय हिंद।